हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए आरएस प्री का सिलेबस लेकर आई हूँ। इस सिलेबस को बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि इस सिलेबस में राजस्थान की सारी भर्तियों का सिलेबस कवर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। ये 200 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और समय इसमें 3 घंटे लगते हैं और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले आता है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, जिसमें कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपको राजस्थान का इतिहास, उसके सांस्कृतिक मुद्दे, किले, स्मारक, बोलियां, विरासत आदि के बारे में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल आदि के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विश्व एवं भारत का भूगोल। विश्व और भारत के भूगोल में आपको भारत और विश्व दोनों के भूगोल के बारे में पूछा जाता है, जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में आपको राजस्थान के भूगोल के बारे में पूछा जाता है, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक प्रणाली, जिसमें संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, लोकनीति एवं अधिकार आदि के बारे में पूछा जाता है। इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि के बारे में पूछा जाता है। इसमें से भी 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थशास्त्री अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थशास्त्र की मूलभूत सिद्धांत, आर्थिक विकास का आयोजन एवं मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास। अर्थशास्त्र के अंदर कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें राजस्थान के कृषि, उद्योग, सेवा, विकास, संरचना, परियोजनाएं आदि के बारे में पूछा जाता है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें दैनिक विज्ञान के बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रक्षा प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाता है। विज्ञान के कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है और कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है समसामयिक घटनाएं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, जिसमें राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे, वर्तमान में चरित्र व्यक्ति, खेलकूद आदि के बारे में पूछा जाता है और इसके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और हमारे पास जो भी पर्सनल नोट्स है उसका वीडियो बनाकर आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।